खबर आगरा से, जहां के सिकंदरा थाना क्षेत्र के आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब टैंकर और ट्रैक्टर की आमने सामने से भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 में से 3 लोगों की मौत हादसे के बाद लगी आग में जिंदा जलकर हो गई। हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर में सवार सभी श्रद्धालु मथुरा गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक टैंकर की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद टैंकर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर की केबिन में बैठे लोग गंभीर रूप से झुलस गए और ट्रैक्टर में सवार लोग भी इस हादसे की चपेट में आ गए। हादसा सिकंदरा थाना क्षेत्र के अरसेना के पास माँ वैष्णो देवी ढाबे के पास हुआ। हादसे की जानकारी होते ही थाना सिकंदरा के अलावा आसपास के थानों के पुलिस बल वहां पर टैंकर में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू चलाया गया। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने टैंकर की केबिन में लगी आग को काफी मशक्कत के बाद बुझाया। एसपी सिटी आगरा के नेतृत्व में पुलिस वालों और क्षेत्रीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। तकरीबन 1 घंटे के राहत एवं बचाव कार्य में सभी घायलों को आगरा के SN अस्पताल में भिजवाया गया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। SSP दिनेश चंद्र दुबे का कहना कि एक टैंकर में एक ट्रॉली थी और जो वृंदावन से आ रही थी, जिसमें श्रद्धालु थे वहां से आ रहे थे, तभी अचानक चाय पीने के लिए ढाबा देख रहे उन लोगों ने वहां पर रोका और ट्रक से लोग जो है मुड़े वहां पर, और उसी बीच ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर ने खराब किया ट्रैक्टर को पीछे से, ये नहीं मालूम पेट्रोल का था या गैस का था, टैंकर था, उसने थार सीधे ट्राली में टक्कर दी। ट्राली में टक्कर दिए उसमें से अब हमें ये मालूम 2 महीने 4 महीने मर गए हैं उसमें, और ये ब्रेक नहीं लगी से वहाँ टूट गई है। यहाँ पे टैंकर तो आ गया था, पर डिफेंडर से जी वो ट्रैक्टर से आकर पीछे से टक्कर मार दी जी, और उसमें अचानक आग लगी जी, इसके कारण 3 लोग बुरी तरह जल गए हैं जी, और करीबन 15-20 लोग घायल हुए। अचानक वहाँ चाय पीने के लिए ढाबा देख के चाय पीने के लिए ट्रैक्टर से घूम गई, उसी बीच में एक दर्दनाक हादसा हो गया ट्रक से और ट्रैक्टर से, जिसमें अब तक 5 कैजुअलिटी हो चुकी है और ढेर सारे लोग लगभग 3 दर्जन लोग घायल हुए। इससे दुर्घटना हुई है, लेकिन जो भी इसमें किया जा सकता है वो सब किया जा रहा है।